तो क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। ये कौन सी ब्रीड है अभी अपने पास? ये हमारे पास जी कल्चर फॉर्म है जी, और अच्छा, ये टॉय कल्चर है जी, कल्चर टॉय। इनमें क्या डिफरेंट होता है, मतलब कुछ बताओगे हमें इनमें भैया? डिफरेंस थोड़ा साइज का होता है, जैसे आप देख ही रहे हैं। क्या मतलब बताओगे इसकी जैसे कितनी लेंथ होगी भैया? इसकी कितनी होगी फिर भी? इसकी लेंथ मैक्सिमम जाएगी 8 to 9 inch, ठीक है। और जो ये है और ये हमारे टेन पास टू इलेवन इंच सिर्फ 2 inch का ही फर्क रहेगा। हेयर्स वगैरह में मतलब नहीं दोनों के नहीं सेम ही हेयर्स होते में होंगे? थोड़ा रहेगा, इसके थोड़े कम रहेंगे, ठीक है। एक दो इंच का ही फर्क रहेगा, 1 से आधा इंच का। तो भैया जो डाइट वगैरह होती है कितनी के मतलब डाइट खाते होंगे फिर डाइट भी? तो इनकी बहुत कम होती है, आप अच्छा, कह लो कि आपकी आधी रोटी के ऊपर ही पल जाते हैं ये। और एज कितनी है भैया इनकी अभी? अभी ये जो बच्चा है ये 45 days का है, ठीक है। और ये जो है ये है 35 days का। अभी फिलहाल कितने पप्पी अवेलेबल है अभी अपने पास इनके? पप्पी हमारे पास अभी 9 to 10 puppies अवेलेबल है, ठीक है। सारे सेल के लिए हैं भैया? सभी सेल के लिए हैं। और कौन सी ब्रीड में आप डील करते हो, मतलब एक ब्रीड ही में है? जस्ट अभी कल्चर फॉर्म और टॉय कल्चर में डील ठीक है। करता हूँ। तो पेपर्स वगैरह का क्या सीन होता है भैया, नहीं केसीआर पेपर्स, रजिस्टर्ड भी? पेपर्स आप पेपर्स का ऐसा होता है कि पेपर से क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट रेट पे फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसलिए क्या वो होता है, कस्टमर की कस्टमर डिमांड है जैसे भी, की डिमांड है, अगर पेपर कहेगा तो पेपर अवेलेबल करवा देते हैं हम, ठीक है अदरवाइज मैक्सिमम ज्यादा विदाउट पेपर ही बेचते हैं। ठीक है। तो काफी अच्छी ब्रीड है गाइस, आप देख सकते हो जी, आप ये देख वाइट में है भैया के पास। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा छोटा रहेगा इससे। और ये भैया के पास ब्लैक है। और भैया कौन कौन से कलर अवेलेबल है फिलहाल अपने पास? इसमें हमारे पास गोल्डन, ठीक है, ऑरेंज, ब्लैक एंड व्हाइट, और मतलब सबकी सेल अच्छी होती होगी जी जी कलर्स जी में। हमारे पास कस्टमर रहती रहता है। सबसे ज्यादा डिमांड कौन से कलर की रहती है डिमांड भैया? हमारे पास ब्लैक की और व्हाइट की ज्यादा रहती सबसे है ज्यादा, जी जी ठीक है। तो रेट्स वगैरह में कुछ डिफरेंट तो होगा भैया पप्पीज जी? में रेट में रहता है डिफरेंस, जैसे टॉय कल्चर है जिसके रेट ठीक में है, थोड़ा डिफरेंट रहता जी होगा जी जी मैक्सिमम 4 to 5 rupees का फर्क रहता है, रहता ही 5, रहता है, ठीक है ठीक है। 500, आप देख ही सकते हो गाइस, इसका थोड़ा सा मतलब कद छोटा रहेगा, तो ये देख सकते हो ये ब्लैक कलर में काफी सुंदर पप्पी है। और भी भैया के पास पप्पी है, अभी शो कराएंगे भैया। भैया जो इनके पेरेंट्स है वो भी दिखा दोगे ना आप हमें? जी जी फादर वगैरह, आपको बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, भैया हमें पेरेंट्स भी दिखाएंगे तो आप पप्पी की क्वालिटी चेक कर सकते हो। सो गाइज ये इन पप्पीज का फादर है, आप चेक कर सकते हो फादर की क्वालिटी, फुल हैवी क्वालिटी का फादर है, फुल लॉन्ग कोट देख सकते हो, हेयर्स वगैरह। इतनी भैया इसकी लेंथ रहती है? ये जिसका अभी आप देख सकते हो 2 साल का हो गया। अच्छा 2 ईयर का हो चुका है ये? जी जी जी, और ये इसकी लेंथ है, ये मैक्सिमम लेंथ है जिसकी। ओके, और ये फादर है और साथ में पप्पी आप देख सकते हो। चार्ली चीट बेटा, मतलब ये जो पप्पी दिखा रहे हो सेम इसी क्वालिटी का है, और ये पप्पी है आप देख सकते हैं, ये चार्ली है, ठीक है, और ये जैरी है, मतलब सारे ही पप्पी इसी की लेंथ के जाएंगे। जी जी जी, जी आप देख सकते हो काफी सुंदर है। ये कौन सी लाइन से है भैया अपने पास? ये मेरे पास बठिंडा से है जी, बठिंडा में जैतो पड़ता है, जैतो, ठीक है जी। तो ये वहां से मैंने मंगवाया था जी बच्चा। ओके, पहले इसी लाइन की मेरे पास फीमेल भी है, तो वो बाहर घूमने गई हुई है। ओके, ये उस फीमेल से भी बहुत बढ़िया क्वालिटी, काफी सुंदर है भैया आपका डॉग ये, देख सकते हो हेयर्स वगैरह, मतलब फुल फ्लफी डॉग, अल्टीमेट ये पप्पीज है, अल्टीमेट पप्पीज। अभी फिलहाल भैया एज कितनी बताई थी आपने इनकी? इसकी अप्रोक्सीमेटली वैसे अगर आप राउंड फिगर कहोगे तो 2 साल, वैसे 18 मंथ का हो। ओके, नहीं पप्पीज की कितनी एज है भैया इनकी? ये पप्पी है 35 days। ओके, और ये अप्रोक्स 50 days का होगा। 50 days का, अलग मतलब जैसे इसकी मदर अलग है। ओके, और इसकी मदर अलग है, ठीक है ठीक है। मदर ही है। ओके, चाली सिट सिट डॉच डोंट मूव, गुड गुड। तो गाइस ये सारे ही मेल है हमारे पास, फीमेलें अभी फिलहाल छोटी हैं भैया के पास, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको शो कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू न्यू वीडियो गाइस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इन प्यारे प्यारे से पप्पीज़ के लिए।